फंक्शन है हमारे, लेकिन तू भाई 7 दिन पहले ही आ जाना, क्योंकि यहाँ हम सब लोग फैमिली फंक्शन में मजे करेंगे। थीम के अकॉर्डिंग तो करना है, कोई नहीं यहाँ देख लेंगे शॉपिंग वॉपिंग का भी, लेकिन तू आ जाना बस जल्दी। हाँ हाँ, ड्रेस कोड तो रखा है ना। हाँ, हल्दी का येलो है, मेहंदी का तो ग्रीन ही होता है ना, और बाकी तू छोड़ ना टेंशन, वो यहाँ देख लेंगे हम, बस तू आ जा पहले। और हाँ सुन, अभी से बता दे रही हूँ, सोनू और चिंकी के कपड़े वहाँ से मत लेना तू, मैं यहाँ आके दिलाऊंगी उनको, उनका हक बनता है, मैं यहाँ से दिलाऊंगी उनको। और हाँ सुन, शादी की साड़ी तू मत ले क्या ना, क्योंकि तेरे लिए और मेरे लिए मैंने एक सी साड़ी ली है। हाँ हाँ, क्योंकि बनारसी साड़ी आजकल बहुत ट्रेंड में है ना, तो दोनों बहने एक सी पहनेंगे और बढ़िया फोटो लेंगे। हाँ रूम्स, अरे उसकी टेंशन मत ले तू, यहाँ हमने बहुत अच्छा होटल बुक किया है, रहने का क्या एसी रूम्स करे हैं, नहाने का टब, और उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम बस आ जाओ। मेहता साहब को भी जरूर लेके आना, क्योंकि उनके लिए तो गोल्फ क्लब है होटल में, अरे सब मजे ले लेंगे, तुम आना जरूर। अरे चलो अब इनके रिश्तेदारों को ही कॉल कर लो, वैसे बुलाने लायक तो इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले इनकी नकचड़ी बहन को ही फोन कर लो। हाँ दीदी, राम राम। पहले के तो छोटे मोटे ही फंक्शन है, आप डायरेक्ट शादी में ही आना, वैसे भी 3 दिन की छुट्टी कहाँ मिलने वाली हुई, आप शादी में ही आना। ड्रेस कोड नहीं दीदी, नहीं ऐसा कुछ भी ड्रेस कोड नहीं है, आप जो पहनो। अच्छा रहने का, नहीं दीदी रहने का वैसे तो कोई इंतजाम है नहीं, अरे गर्मी चल रही है, अपना ही घर तो है, छत पे गद्दे लगा लेंगे, और वैसे भी रात को तो इससे बढ़िया हवा आती है छत पे। पर दीदी आ जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारे भैया को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है दीदी, नमस्ते। माइक दिया था गाली बात बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करो। अरे सुनो, 700 कार्ड छपवा रही हूँ मैं। 700 ज्यादा ना हो जाएंगे, किस किस को बुला रही है, मेरे रिश्तेदार की कमी है। 700 में से 650 तो मैं अपने रिश्तेदारी में बांटूंगी, और बचे 50 तुम उन्हीं रिश्तेदारों को देना अपने, जो शादी में आके रोला ना करे, और कम से कम 10,000 की लेन देन तो यहाँ जरूर करके जाना। 50 भी कैको दे रही है, 50 अपने वालों को दे देती। सुन लो, मेरे रिश्तेदारों के लिए एसी रूम अच्छे बुक कर देना, बहुत आज से आ रहे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरे जीजा जी अमेरिका से आ रहे हैं, मेरी मौसी का लड़का तो जर्मनी में पढ़ रहा है, वो बेचारा वहाँ से इतनी दूर यहाँ शादी के लिए आ रहा है। कोई सीए, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उनके लिए इंतजाम तो बहुत अच्छे करना। तेरा अमेरिका से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई सीए, कोई डॉक्टर है, हमारी तो खुदा खुद है, शिकार को खुदे से आ रहे हैं। जी हाँ, तुम्हारे तो कहीं से भी आए, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मेरे रिश्तेदारों के लिए अच्छा इंतजाम होना ही चाहिए। ठीक है करवा दूंगा। अच्छा ना, मेरे दीदी जी जाजी है ना, उनको भी होटल में एसी रूम में रुकवा दियो। हाँ, क्या करें उन्हें वहाँ ठहरवा के, उन्हें वेस्टर्न में लैट्रिन करनी आती है, पिछली बार जब आए थे उनके बच्चों ने और उन्होंने मिलके सारे घर की लैट्रिन हमारी खराब कर दी। अरे इतना बड़ा घर काहे के लिए है, छत पे गद्दे डाल देंगे, गर्मी का दिन वैसे ही है, रात में एसी से अच्छी हवा आती है जब, और वहाँ इंडियन लैट्रिन भी पड़ी है छत पे। घर में भी काहे को सुला रहे, खेत में सुला देंगे। चल मैं तो कर लेती हूँ इंतजाम अपने आप। सुनना क्या है, इतनी बेइज्जती तो हो गई, अब क्या सुनूंगा। और अरे फूफा बैठ जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ, फूफा बैठ जाओ। पानी तो सर से ऊपर उतर गया है, अब क्या पानी लेके आओगे तुम। तुम्हारे 62 जीजा के पास ही नहीं है सोने की चैन, हम भी पहने हैं सोने की चैन। तो लीजिए फूफा जी, पानी पीजिए। रखो इस गिलास को, ठंडे पानी में निपटा जाओ, अपने रिश्तेदार को केसर का दूध पिला लो। अब बेइज्जती हो गई मेरी, तो याके मारे आया हूँ मैं, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, याके मारे आया हूँ मैं, अब बेइज्जती हो गई मेरी, तो याके मारे आया हूँ मैं। तो यहाँ घर में तो मैंने 10-12 साल से पैर भी नहीं धरे, 12 साल बाद आया हूँ, वाके बाद भी ये हालत है, आधे घंटे बाद तो चाय आई है, और चाय में क्या आया हूँ, 15 समोसा, 20 रसगुल्ला, इतना ही नाश्ता करूंगा बस मैं। यो देख लो सब, प्लास्टिक वाली कटोरी में दे दी मुझे, क्या दिया पता नहीं, यो या मैं इनको कुत्ता खावे या इनको मैं खाऊं। पकड़ो यार, एसी वाले कमरे में बैठा था मैं, हम धक्का मार के निकाल दिया मोए, कहे पंखा वाले कमरे में जाओ तुम, इनके जीजा साडू सब वहाँ पड़े हैं, बहनों ही जमाई सब एसी वाले कमरे में पड़े, बरात इनके कमरे में, जरा कैसी कैसी बदबू आ रही है। पिछली बार भी जब ही आया मैं, जब टोनू मेरे पैर में गिरा, पिछली बार बदतमीजी करी मेरे साथ, पिछली बार उन्होंने सबको टीका लगाया और मुझे ही भूल गए बस। अब इतनी बेइज्जती कैसे सहन करूं भाई मैं ना, इतनी तुम पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, इतनी बेइज्जती सहन ना करूं भाई मैं। अपने सभी रिश्तेदारों को इन्होंने वेस्टर्न लैट्रिन वाले रूम दिए, इन्होंने मुझे कौन सा रूम दिया इसमें इंडियन लैट्रिन है, इतना भेदभाव क्यों बताओ। इतनी बेइज्जती सहूं मैं, कितनी सहूं, तो इसकी वजह से आ जाता हूँ मैं। टीके में क्या लगाया, पैंट शर्ट का कपड़ा, उससे महंगी तो सिलाई पड़ा है, कितने का पैंट शर्ट का कपड़ा होगा, इसीलिए आया था मैं शादी में। सवेरे से देख रहा हूँ, कभी जिज्जा जी यहाँ बैठ जाओ, कभी साडू यहाँ बैठ जाओ, कभी जमाई यहाँ बैठ जाओ, कभी दामाद जी यहाँ आ जाओ, कभी एक बार मैं फूफा का नाम लिया, फूफा यहाँ के सोफे में बैठ जाओ, एक बार नहीं सोफा पता नहीं किसके बिछा के रखा है। देखो सवेरे से बैग कंधे पर टंगा मेरे, एक भी ऐसा नहीं है कि लो फूफा जी बैग उतार लो कंधे से, एक भी पकड़ा नहीं है मेरा बैग, लगाऊ मैं तो चल रहा हूँ। अरे फूफा जी रुक जाइए,
सवेरे जैसे आया हूँ ना, जैसे बैग मेरे कंधे में टंगा वैसे टंगा है, एक बार भी नहीं उतारा उसको किसी ने भी कंधे से नीचे। मैं तो चलता हूँ, चल रहा हूँ मैं तो, तुझे आना आ जाइयो सिमी की मम्मी, तुझे आना आ जाइयो नहीं तो रहने दे। अरे तुम्हें क्या पता, जे रिंकी ने अपनी तरफ के कहाँ कहाँ के ना बुला रखे हैं, और हमारी बिरादरी की तो मुझे चार रिश्तेदार भी ना दिख रहे। अरे मैंने भी इसे इतना ही कहा कि छोटे के यहाँ भी कार्ड भिजवा दियो, शादी के टाइम ही गिले से पे दूर हो गए। इसकी चलती कहाँ है घर पे, जोरू का गुलाम जो ठहराई है तुम ही देख लो, पूरा मायका इकट्ठा कर रखा है लोगों ने, यहाँ पे दूर दराज के कीड़े मकोड़े तक भी बुला रखे हैं। और क्या बोले छोटी, अकेले तो इन्होंने फाइव स्टार होटल कर रखा है और हमारे लिए छत पे गद्दे डाले, हमारी यही इज्जत है। अपने मायके वालों को तो इसने मन पसंद कपड़े भी दिला रखे हैं। हल्दी की बात देख लो तुम, कल हल्दी के फंक्शन में सबने पीली पहनी, मैं गुलाबी पहनाई, इसने मुझे कही दीदी कोई ड्रेस कोड ना है। अब बताओ इज्जत रह गई मेरी और मेरे परिवार की, बताओ तुम ही बताओ, सही कह रही ना मैं, हमारे पे तभी तो मना कर रहे थे आने को, हम तब भी खींच के लाया, अब देख लो क्या इज्जत रह गई। अपने ससुराल जाके हम सुनाए जाएंगे कि तुम्हारे यहाँ ये खिलाया यहाँ पिलाया, हम ये कहते हमें तो छत पे सुलाया कपड़े भी ना दिए। तुम्हें कुछ कपड़े लगाई छोटी जी? अरे रहने दो वैसा, रहने दो, ये तो पूछो ही ना मुझसे। कल मेरे पास आ रही है दीदी, दीदी आपके लिए साड़ी लाई, ऐसी साड़ी लाई, मैंने सीधे कह दिया जा सीधे अपनी कामवाली को लगा दे साड़ी। अरे छोटी क्या बोले, दिक्कत अपने भाई में जो इसके काबू में होती आज ये दिन ना देखना पड़ता अपने को। जोर का गुलाम हुआ ये? अरे जोर का गुलाम जो पत्नी भक्त हनुमान है जी, क्या बोले इज्जत ही ना रही हमारी। मुझे दुनिया वाले शराबी न समझो। अरे दिखने की कौन है यो, चश्मा लगा लू। अरे मौसी नमस्ते, ये बसंती वाली मौसी तो नहीं है, सोले वाली मेरी मौसी लागे, पर ये दाढ़ी कहाँ से आ गई मौसी तेरे? ओए ओए देवड़े, मौसी नहीं तेरा चाचा हूँ मैं, चाचा। चाचा चाचा, पर चाचा तो मेरी चाची का हस्बैंड है यार, तू क्या बात कर रहा है? तो उसी चाची का हस्बैंड हूँ मैं, तेरा चाचा हूँ मैं। अरे चाचा चाची मौसी हस्बैंड क्या हो तुम यार, बताओ मुझे सही सही, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। गाना ही भूल गया यार मैं तो, क्या गाना है? अरे चलो छोड़ो यार, छोड़ो इन सब बातों को। दादाजी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। मामा जी बहुत बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो तुम्हारे दोनों लड़का लड़कियों का, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन है ना तुम्हारे, तो ट्विंस बच्चे हैं ना दोनों? अरे जन्मदिन नहीं है, दोनों की शादी है। शादी? अब शादी कर रहे हो चाचा, मुझे बताया नहीं तुमने? अरे मैं शादी थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर किसकी शादी है, चाची की शादी है? तो बताओ यार, बूढ़े लोग शादी कर रहे हैं, हमको लड़की नहीं मिल रही कोई। शादी वो लड़का लड़की कर रहे हैं। लड़की वेटर से शादी कर रही है? वेटर से? वो वेटर नहीं, लड़की का बाप है। क्या कह रहे, लड़की का बाप वेटर है? अरे वो वेटर है और वो लड़की का बाप है। तो किसकी शादी किससे हो रही है यहाँ पे? अरे तो मेरी बेटी लड़के से शादी कर रही है। तो लड़का वेटर है क्या? लड़की भी वेटर है, लड़का भी वेटर है, लड़की का बाप भी वेटर है, लड़के का बाप भी वेटर है, हम क्या को यहाँ वेट कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, चलो। नमस्ते मलिंगा जीजा जी, अपना बैग मुझे दे दीजिए। ना ना ना, इसे हाथ मत लगाइए, पूरी शादी का अंजाम मुझे ही देखना है। वो फूफा जी घूम रहे इस बैग के चक्कर में, पिछली बार भी शादी का अंजाम उनको दिया था, हिसाब लास्ट में गड़बड़ निकला था। जीजा जी क्या कह रहे थे बताइए अब? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। लव मैरिज हो रही है, हमने एक रिश्ता ढूंढा था, विद्युत विभाग में लड़का था, अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, अभी प्राइवेट नौकरी है, पता नहीं कहाँ पर है कहाँ नहीं है, क्या पता है। उसकी डबल इनकम थी, ऊपर से भी इनकम थी, नीचे से इनकम थी, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमसे तो कोई पूछा ही नहीं रहा है। जीजा जी मैं तो पूछ रही हूँ। तुम्हारे पूछने से क्या होता है, कोई घर का आदमी पूछे ना, देखा बाप पूछे, दूल्हे की माँ पूछे, जीजा पूछे, साडू पूछे, कोई पूछ नहीं रहा हमसे कुछ भी। हमारे पास कितने सारे आइडिया है, मैं पूरा इंजाम करा लेता सबका, अभी बारात आ जाएगी देख लेना, कोई इंजाम है सारा इंजाम करता, खाने वाले का हलवाई का इंजाम मैं कर देता, फूल वाले को मैं बुला लाता, लाइट का इंजाम भी कर देता और सस्ते में कर देता मैं, कोई हमें पूछे तो सही। अभी देखो घंटा भर में बारात आ जाएगी, क्या करेंगे फिर ये लोग? जीजा जी अभी तो सुबह ही हो रही है, अभी 10 मिनट में सुबह दूर। हलवाई को चेक करने गए तो इतना मोटा पेट निकाल के ऐसे ऐसे कलछा हिला रहा, ऐसे ऐसे कलछा हिला रहा। हमने कहा ऐसे कलछा हिलाते हैं, खुरचन निकाले तो ऐसे ऐसे करके कलछा हिला, और खुरचन ही पता नहीं कौन से हलवाई से बनवाई है, खिचू की खुरचन पूरे मथुरा में फेमस है, वो हमारे रिश्तेदार है, हमारा यार है वो, हमें से कोई पूछता ही नहीं है, हमसे कहते हैं हम सारा अंजाम कर देते हैं। जीजा जी फर्नीचर उतर गया है। फर्नीचर आ भी गया, हमें ना बताई हमने कैसे कैसे पलंग उतरवाए, चार चार पलंग तो मैं खुद लेके आया। अरे जीजा जी, अरे जीजा जी इधर आओ। जीजा जी मौसा जी बैग मंगवा रहे हैं, जरा दे दीजिए। क्यों मंगवा रहे हैं? जीजा चोर है क्या? जीजा को इतना भरोसा भी नहीं है?
ले जाओ लू, लो संभालो तुम्हें सब लो। अरे सुनो सुनो, अपने रिश्तेदारों में से किसी को यहाँ 10 मिनट से ज्यादा खड़ा मत रहने देना, और ये बैग थोड़ा संभाल के रखो। पिछली बार पिंटू की शादी में 1 लाख रुपए हमारे चोरी हो गए थे, और सामने तुम्हारा जीजा खड़ा था। 1 लाख की तो कोई छोटी शादी ना हुई है, पता नहीं 1 लाख कहाँ से हो रहे हैं। अंजू यहाँ जरा, और कैसे याद आ गया तेरे को मेरा? देखियो ये गैंग पे लगा रखे किसी ने, शर्म भी ना आ रही है। तुझे हम पे शक हो रहा है? अभी याद कैसे आ गई तुझे हमारी? वैसे तो तू हमारे सामने खड़े हुए ना, नाक कटे है तेरी हमारे साथ खड़े होने में? अपनी बीवी के पास ही रहता, जो रुका गुलाम कहीं का। हमारी इज्जत तो सही तूने वैसे ही लुटा दी है, हमें छप्पे सोना पड़ रहा है तेरी वजह से। ना बीबी खंदे हुए ना बहन खंदे हुए, क्या करूं बता मैं, समझ में ना आ रही बात। देख लो साला कैसा जमाना आ गया, 5-5 रुपए लगा रहे हैं जमाने में, अब कौन लगाता को 5 रुपए लगा रहे हैं। अरे पापा 5 रुपए का छोड़ो, मेरी बात सुनो, देख लो कैसे घूम रहा हूँ मैं। आज शादी है मेरी, मैंने आपसे कुछ तो कहा था कि मेरे कपड़े छोड़ो, तो ये लोगों को सुनवाने मत दो। देख लो कैसे बावड़ा से घूम रहा हूँ, अभी एक आंटी आई, उसे लगा कि मैं लाइट वाला भैया हूँ, क्या बताऊँ कि मैं दूल्हा हूँ। पापा क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा करो मेरी आप मदद कर दो। मैं क्या करूँ, मैं अपने लत्ता उतार दूँ, मेरी लत्ता पहन ले। अरे छोड़ो पापा। हाँ भाई मलिंदा लाइट वाले, मेरे सर पर खड़ा हो गया तू। तेजी लाइट कहाँ लगानी है, मेरे मुंह पे लगा दे। फूल वाले तू भी आ जा भाई, तुम्हें लगाऊं, कभी माँ परेशान करे, कभी बेटा परेशान करे, कभी लुगाई परेशान करे, कभी बहन परेशान करे, अभी फूल वाला बिजली सब एक पे छोड़ जाओ, पता नहीं कौन सी बक्ता है मैंने शादी करवाई। तो गाइस ये हो गया हमारा वीडियो यहाँ पे एंड। और वैसे अगर आपको बताऊं तो हर इंडियन शादी का ना अपना ही अलग मजा होता है। अगर मामा मामी ताई फूफा जीजा इन सब के बिना कोई शादी होती है क्या कभी? इन्हीं से तो मजा है शादी का, वो खाना, वो नोक झोंक और वो नाच गाना, यही होती है हर इंडियन शादी, और हमारी तो वैसे भी फेवरेट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप दबाइए फटाफट से लाइक बटन, सब्सक्राइब टू शोभा पांडे ब्लॉग एंड कमेंट डाउन कि आप लोगों को हमारी सारी एक्टिंग कैसी लगी। टिल देन वी मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।